दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि रायगढ़ की ब्रांचों पर मैनेजर द्वारा 49 करोड़ रुपए का यहाँ पर गबन किया गया, जिसमें 3,900 निवेशकों का यहाँ पर पैसा लगा हुआ था। तो दोस्तों, उस पर हमारे पास एक नई अपडेट फिर निकल कर आई है। जैसे कि आप जानते हैं कि कलेक्ट्रेट कोर्ट ने सहारा इंडिया के पूर्व ब्रांच मैनेजर ओम प्रकाश शर्मा की 19 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया था। अब उनकी रायपुर और रायगढ़ की कई अन्य संपत्तियों की जानकारी भी सामने आई है। 6 नए बैंक अकाउंट भी हैं जिसमें करोड़ों रुपया जमा है। इनकी जानकारी कुर्की के आदेश के बाद आई है। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा कि सैकड़ों परिवारों ने अपनी जमा पूंजी सहारा इंडिया में यह सोचकर जमा की थी कि भविष्य में यह रकम उनके काम आएगी। ऐसा होता भी, लेकिन बीच में पूर्व ब्रांच मैनेजर ओम प्रकाश शर्मा ने शातिर खेल खेला और अपना भविष्य बनाने के लिए सैकड़ों लोगों की रकम हड़प ली। बॉन्ड पेपर के जरिए ऐंठी गई थी ये रकम। तो दोस्तों, यहाँ पर नकली बॉन्ड दिए गए जिसमें वह खुद तो करोड़पति बन गया, लेकिन जमाकर्ता लोग गरीब हो गए। गरीब 6,000 निवेशकों के करोड़ों रुपए गबन कर लिए गए। कलेक्टर न्यायालय रायगढ़ जिला से 3,158 आवेदन मिले। तो दोस्तों, ये संख्या बढ़ चुकी है। पहले दोस्तों 2,900 ये संख्या बताई गई थी, लेकिन अब ये ताज़ा अपडेट जो हमारे पास आई है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये 29 फरवरी की ताज़ा अपडेट है। तो दोस्तों, ये अपडेट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप जानते हैं कि कलेक्टर न्यायालय ने रायगढ़ ज़िले से 3,157 आवेदन मिले। इसके अलावा सरगुंजा से 24 और जगदलपुर से 722 और कांकेर से 764 और कोरबा से 1,150, कुल मिलाकर 5,817 आवेदनों पर सुनवाई की गई। तो दोस्तों, लगातार यहाँ पर जो है निवेशकों की संख्या निकल कर आ रही है, जिसमें 49 करोड़ से ज़्यादा का गबन यहाँ पर किया गया और रुपया हड़पने का केस चल रहा है। कलेक्टर ने 19 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। इसके बाद पुलिस ने शर्मा की अन्य संपत्तियों की जानकारी भी साझा की है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक लंबी चौड़ी लिस्ट है इनकी, और जितनी संपत्ति कुर्क की गई है उसमें केवल 10 या 15% ही रकम वापस मिल सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर तो बहुत बड़ा गबन जो किया गया, उसमें यहाँ पर मैनेजर की संपत्ति से केवल 15 या 10 या 15% का ही भुगतान मिल सकता है। रायपुर समेत दूसरे जिलों में संपत्ति पर वहाँ के कलेक्टर निर्णय लेंगे और रायगढ़ शहर में सीट नंबर 43 की 11 दुकानें, गैलेक्सी टावर की 2 दुकानें, और ये जो हमने आपको बताई थी कि यहाँ पर लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा की रकम आंकी गई है, जो यहाँ पर ये सब कुछ मिला है। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 करोड़ की रकम और 49 करोड़ का गबन, और गबन करने वालों की संख्या जो यहाँ पर है निरंतर बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों, 5,000 से ज़्यादा यहाँ पर निवेशकों का पैसा गबन किया गया ब्रांच मैनेजर शर्मा द्वारा। तो दोस्तों, ये थी रायगढ़ की ताज़ा ताज़ा अपडेट। इस अपडेट के संदर्भ में जो भी हमारे पास नई अपडेट आएगी, वो फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आचार्य वैस्कान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।